9 स्कॉलर है या 9 स्कॉलर है, कैसे हमने आपको बताया था अभी कि हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, हम जब 1 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पहले आया है या 5 पहले आया है? 9 से पहले 5 आया है तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 इज स्मॉलेस्ट देन 9, यानी कि 5 जो है वो 9 से छोटा नंबर है। ओके, इसी तरह से सेकंड हमारे पास है 10 and 8, 10, 8, तो हमारे पास ये दो नंबर हो गए, एक नंबर है 10 और एक नंबर है 8, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों में से एक नंबर चूज करना है जो कि स्मॉल है। तो हम जानते हैं जब हम 1 से लेकर 10 तक काउंट करते हैं तो 8 जो है वो 10 से पहले आता है, तो जो नंबर पहले आता है वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो जाता है। तो इन दिस क्वेश्चन 8 इज स्मॉलेस्ट देन 10, तो हमने 8 को सर्कल कर दिया। ओके, थर्ड वन इज 14 and 16, अब हमारे को क्या कंपेयर करना है, 14 को और 16 को, हमारे पास ये दो नंबर हैं, तो 14 इज स्मॉलर देन 16 बिकॉज 14 इज कम बिफोर देन 16, यानी कि 14 जो है वो 16 से पहले आता है, तो हमारे पास जो हो गया वो 14 क्या हो गया, 16 से स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ओके, फोर्थ वन इज 8 and 13, हमारे पास ये नंबर है 8 and 13, इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे, तो 1 से 13 तक जब हम काउंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 8 जो है वो 13 से पहले आता है, तो क्योंकि जो 8 13 से पहले आता है तो वो 8 जो हो गया वो स्मॉलर हो गया 13 से। ओके सर, फिफ्थ वन इज 6 and 2, हमारे पास दो नंबर है 6 and 2, तो इसमें से हमें देखना है कौन सा स्मॉलेस्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 जो है वो पहले आया 6 से, तो 2 जो हो गया वो स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, 5 and 15, 5 और 15 में से हमारे हमें ढूंढना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, द आंसर इज आर 5, 5 इज स्मॉलेस्ट देन 15 क्योंकि 5 जो है वो सीरीज में 15 से पहले आता है। नेक्स्ट है 9 and 12, 9 और 12 को कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, यस 9, क्योंकि 9 जो है वो 12 से पहले आता है, तो 9 जो हो गया वो 12 से छोटा नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज 4 and 1, हमें कंपेयर करना है अब 4 को और 1 को, तो 1 जो है वो सबसे पहले आता है, 1 से हमने स्टार्टिंग की है, 1 2 3 4, तो पहले 1 आया फिर 4 आया काउंट करते हुए, तो 1 जो हो गया वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4 से, यानी कि जो नंबर पहले आता है वो नंबर सेकंड नंबर के कंपैरिजन में स्मॉल हो जाता है। ओके सर, होप आपको ये स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आपको इसी तरह से अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये हेडिंग बनानी है,